खबर बड़वानी से। पुराने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने लजीज फूड सेंटर में लगी भीषण आग, अंदर रखा सामान जलकर खाक। आग लगने का कारण अज्ञात। बड़वानी जिला मुख्यालय पर स्थित पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित लजीज फूड जोन रेस्टोरेंट में आज सुबह करीब 4 बजे अज्ञात कारण से आग लग गई। आग से रेस्टोरेंट के अंदर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फ्रूट जोन के संचालक राहुल कुमावत ने बताया, सुबह 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई गई। आग से पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। संचालक राहुल कुमावत ने जिला प्रशासन सहित शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, काफी बड़ा नुकसान है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल कुमावत, ये आपके दुकान में आग लगी है, हाँ। क्या है पूरा घटनाक्रम? सुबह 4 बजे मेरे पास में एक कॉल आया, मैं किसी कारण से कॉल नहीं उठा पाया था, तो वो शख्स मुझे घर पर बुलाने के लिए आया कि भैया आपकी दुकान में आग लगी, अब चलो फटाफट। तो मैं फिर यहाँ पर आया, मैंने देखा बहुत ज़्यादा जल रहा था, तो हम लोग फिर फायर फाइटर वालों के पास गए, उनको लेकर के आए वहाँ से, और उन लोगों ने आकर के आग बुझाई, और इतनी देर में पूरा मतलब दुकान का जितना सामान था सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा दुकान में। फिर क्या हुआ? फायर फाइटर वाला है, उन लोगों ने आग बुझाई, आग बुझाने के बाद में हम लोगों ने अंदर जाकर के देखा था, कुछ भी सामान नहीं बचा, सारा सामान खत्म हो गया। क्या क्या मेन क्या रखा हुआ था? मेरे पास ओवन वगैरह थे, पिज़्ज़ा ओवन, सैंडविच ग्रिलर वगैरह, ये सारे सब कुछ जल गए, और करीब 5-5.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है मेरा। अब क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मदद मिले कि मैं इसको फिर से वापस खड़ा कर पाऊँ। आग बुझा दी गई है। कितनी बजे घटना है? ये है 4:15 बजे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।